स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आई एम डी के तिवारी फ्रॉम शांति निकेतन जुबली स्कूल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर हम कैसे इंसर्ट करते, ठीक है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर लाइन बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। इसके बीचों बीच जीरो लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जीरो के राइट साइड में, ठीक है, और जितने निगेटिव इंटीजर्स होते हैं जीरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जैसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ। उसके बाद निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, ये मेरा क्या हुआ, नंबर लाइन। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है -1/2 and 1/2 को नंबर लाइन पर हमको डिनोट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में जीरो रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये डिजिट जो है, जो हमारा रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, किसके बीच है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 जो है सो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। उसी तरह यहां पे भी -1 लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 0 के 1 के बीच के स्पेस को 2 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, के स्पेस को हम 2 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इक्वल पार्ट मेरा ये हो गया, एक इक्वल पार्ट मेरा ये हो गया, ठीक है। इधर भी क्या करते हैं, 0 और -1 के बीच के स्पेस को हम फिर 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो हमको 1/2 को डिनोट करना है, तो यहीं पे हम 1/2 लिख देंगे। ये 1 है मेरा, ये 1/2 है, यहां पे मेरा 1/2, यहां पे P से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां भी हमको -1/2 करना है, तो यहां पे क्या करेंगे, -1/2 इसको डिनोट करते हैं। यही मेरा 1/2 और -1/2 को हमने नंबर लाइन पर डिनोट किया। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है 2/3 और -2/3 को हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। फिर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। जीरो, वन, वन, टू। अब देखते हैं 2/3 और -2/3 है, तो चूंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है, 3 है, तो हम क्या कहते हैं कि 0 और 1 के बीच के स्पेस को, ठीक है, 0 और 1 के बीच के स्पेस को 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। यानी जितना डिनोमिनेटर होता है उतना इक्वल पार्ट में उसको हम बांट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो हमको 2/3 को डिनोट करना है, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 1/3, यहां हो गया 2/3, यहां हो गया आपका 3/3। तो हमको डिनोट करना है 2/3 को, तो ये हम 2/3 को डिनोट करें, ठीक है। फिर उसी तरह -2/3,
एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट ये, यानी वन टू थ्री पार्ट में बट गया। अब चूंकि माइनस टू बाई थ्री को हमको डिनोट करना है तो ये हो गया माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया माइनस टू बाई थ्री, ये हो गया आपका माइनस थ्री बाई थ्री। इसको हमने माइनस टू बाई थ्री को यहां पे डिनोट किया। आया समझ में? फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन द नंबर लाइन। अब हमको क्या करना है, 13 और -13/5 को हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 13/5 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें क्या होगा, 2 होल 3/5। फिर -13/5 को हम डिनोट करते चेंज करते हैं क्या होगा, -2 होल 3/5। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 प्लस 3/5 एंड -2 प्लस 3/5, ठीक है। अब इसको हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो हम फिर क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फिर इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि पहले जो मेरा डिजिट दिया हुआ है 2 होल 3/5, इसको पहले हमको देखना है कि ये किसके किसके बीच है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 होल 3/5 टू और थ्री के बीच में कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच जो स्पेस है उसको हम डिनोमिनेटर के अनुसार, डिनोमिनेटर में कितना 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर भी उसी तरह -2 और -3 के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको डिनोट करना है 2 होल 3/5, नहीं तो क्या होगा, 3 है, 1 2 3, तो 3 यहां पे है, तो मैं यहीं पे डिनोट करते हैं 13/5। इसको कहां डिनोट करेंगे, 1 2 3, यानी -13/5 इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? देखो आपके किताब में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके बुक में क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। पहले फिर आपको नंबर लाइन बनाकर बनाते हैं। देखिए ये मेरा नंबर लाइन हो गया 0, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि 0 के राइट में तो सभी पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं, ठीक है, और 0 के लेफ्ट में हम निगेटिव इंटीजर को लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, क्या -3/5 0 के लेफ्ट है, तो ये आपका ट्रू हो गया, क्योंकि निगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, नहीं, क्योंकि निगेटिव लेफ्ट में होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है
की राइट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ जीरो। कह रहा है कि 1/3 और -5/2 जीरो का अपोजिट में है, तो हाँ है, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव है और एक इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि द रेशनल नंबर -18/13 लाई टू लेफ्ट ऑफ जीरो, तो ये आपका कटाने के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ये कह रहा है क्या जीरो के लेफ्ट में है, तो ये गलत है, नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो जीरो के राइट में होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम आपको एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।